हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सीरीज जैसे चालू है, आज लाया हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे क्वेश्चंस। करंट इलेक्ट्रिसिटी से बहुत क्वेश्चंस एएलपी एग्जाम में पूछा जा रहा है और ये सीबीटी 2 के लिए भी है, तो आप इस क्वेश्चंस को पूरा देख लीजिए, पूरा वीडियो को देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ए टू बी। देखिए तीन रेजिस्टेंस दिया हुआ है, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम का। कह रहा है ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देख लीजिए कैसे निकालेंगे। अगर पूछा जाए ए और बी के बीच पूछ रहा है, तो जिसके बीच पूछ रहा है उसके बीच आप एक सेल लगा दीजिए। जैसे ए और बी के बीच पूछ रहा था, तो ए और बी के बीच एक सेल लगा दिया, तो यहाँ से करंट पास होता है, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस, और करंट प्लस से पास होता है, फिर यहाँ से जाता है करंट, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ पे करंट आई सब जगह फ्लो हो रहा है, आई इससे फ्लो होके फिर यहाँ निकलेगा, फिर आई इसमें जाएगा करंट, फिर यहाँ निकलेगा, फिर आई इससे फ्लो होके यहाँ निकलेगा और फिर डायरेक्ट सेल में चला जाएगा। तो अब ये देखिए कि जितना करंट बैटरी से सेल से निकला है, आई ही निकला है, और जितना रेजिस्टेंस लगा है टोटल में वही करंट जा रहा है। देखिए आई यहाँ से निकला, इसमें भी आई फ्लो हो रहा है और इसमें भी आई फ्लो हो रहा है और इसमें भी आई फ्लो हो रहा है। जब तीनों रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो हो तो वो सीरीज में होता है, तो वो कॉम्बिनेशन किस में होता है, सीरीज में। तो उसको हम कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट ये तीनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस आर लिख कर देते हैं, आर इक्वल टू क्या जाएगा, ये 2 ओम है प्लस ये 3 है प्लस ये 6 है, ये कितना हो जाएगा 11 ओम। तो आंसर क्या होगा डायरेक्ट 11 ओम, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि फाइंड टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ये देखिए तीन रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये तीनों, और ए और बी के बीच रेजिस्टेंस पूछ रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो फिर वही चीज करना है, किसके बीच पूछा है, तो ए और बी के बीच, बस ए और बी के बीच एक सेल लगा दीजिए, सेल लगा दिया। अभी देखिए यहाँ करंट यहीं से फ्लो होगा, प्लस माइनस यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ आएगा करंट, फिर यहाँ आएगा करंट। अब यहाँ पे क्या देखना है कि करंट जब यहाँ से निकलेगा तो करंट को तीन रास्ता दिखाई देगा, तीन पाथ दिखाई देगा, एक इधर जाने का, एक इधर जाने का, एक इधर जाने का। तो यहाँ क्या होगा, करंट तीनों में बट जाएगा, कुछ इधर चले जाएगा, कुछ इधर, कुछ इधर। मान लेते हैं अगर करंट यहाँ से 10 गया तो हो सकता है इधर 3 जाए, इधर 4 जाए और इधर 3 जाए, कितना भी जा सकता है ये पता नहीं, लेकिन करंट क्या होगा बट जाएगा। तो आई यहाँ से आया, मान लेते हैं इधर चले गया I1, ठीक है, और इधर चलेगा बीच में I2 और इधर चले गया I3। तो I1 यहाँ से निकलेगा, इसमें भी जाएगा, I1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर I2 यहाँ से होते हुए यहाँ आ जाएगा I2, फिर I3 इसमें होते हुए ये रेजिस्टेंस में I3 यहाँ आएगा, फिर यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा ये, और तीनों यहाँ पे क्या मिल जाएगा, फिर आई ही बन जाएगा। क्यों, यहाँ से आई बटा था, फिर यहाँ आया, फिर तीनों मिल गए, वही आई बन जाएगा, फिर यहाँ आएगा और फिर ये आई सेल में चला जाएगा। तो अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि करंट निकला था सेल से आई, लेकिन तीनों रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है कि डिफरेंट करंट ले रहा है, इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3। तो जब डिफरेंट करंट ले तो वो हो जाता है पैरेलल सीरीज, तीनों तब किस में है, पैरेलल में। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो 1/R करके निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे कितना ओम है, तो 1/2 लिख देंगे, 2 है तो 1/2, प्लस यहाँ कितना है 3, तो उसको लिखेंगे 1/3, यहाँ कितना है 6, तो 1/6, बस इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1, ये 1/R कितना हो जाएगा 6/6, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1/R का वैल्यू कितना आया है, 1/R का वैल्यू आया है 6/6, इसको पलट
दीजिए तो ये हो जाएगा आर, और इसको भी पलटेंगे तो ये 6/6 ही रहेगा फिर, और दोनों कट जाएगा कितना होगा आर इक्वल टू 1 आ जाएगा, मतलब कॉम्बिनेशन कितना मिलेगा 1 ओम, ये आंसर होगा। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। ये तीन रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कह रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, और इसमें सेल पहले से ही ऐड है, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। फिर उसी तरह देखिए यहाँ सेल लगा हुआ है, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा आई, आई यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा आई, ठीक है, इसमें क्या इससे आई निकलेगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या आई को दिख रहा है कि यहाँ से आई को दो रास्ता दिख रहा है, एक इधर एक उधर, तो फिर क्या होगा आई यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, आई वन इधर चले जाएगा और एक आई टू इधर चले जाएगा, तो आई वन यहाँ से निकलेगा, इसमें आएगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ पे आई वन आएगा, ठीक है, फिर आई टू इससे पास होते हुए इस रेजिस्टेंस से यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आई टू आएगा, और फिर दोनों यहीं पे मिल जाएगा, यहाँ पे निकलेगा क्या बन के आई ही बन के निकलेगा, डायरेक्ट से जो बचा था इधर फिर वही इधर आई बन जाएगा, फिर यहाँ से पास होगा आई और फिर ये सेल में चले जाएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ से आई पास हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है डिफरेंट करंट ले रहा है, ये रेजिस्टेंस 6 ओम का और ये रेजिस्टेंस 3 ओम का, दोनों डिफरेंट करंट ले रहा है, ये ले रहा है आई वन और ये ले रहा है आई टू, जब ये दोनों डिफरेंट ले रहा है तो ये किस में हो जाएगा पैरेलल में हो जाएगा। अभी तुरंत बताया पैरेलल का कैसे निकाला जाता है, तो बस उसी तरह 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये है 6 तो 1/6 इसको लिखेंगे, प्लस ये है 3 तो इसको लिखेंगे 1/3, तो ये कितना होगा 6 इसका एलसीएम होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 2, तो 1/R का वैल्यू यहाँ कितना लगेगा 1/R इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/6 और ये कट के कितना हो जाएगा 1/2, और इसको पलटेंगे तो आर ये बन जाएगा और इसको पलटेंगे तो ये 2/1 मतलब 2 बन जाएगा, तो ये दोनों का कितना निकला 2 ओम निकला, ठीक है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन 2 ओम निकला। अगर इसको हम हटा दें यहाँ पे 2 ओम का लगा दें तो दोनों इक्वल ही होगा, तो इसको हम हटा देते हैं, तो यहाँ देखिए वो 6 ओम और 3 ओम का जो रेजिस्टेंस लगा था उसको हटा के 2 का लगा दिया, क्योंकि 6 और 3 का पैरेलल जो था उसका कॉम्बिनेशन निकला था 2 ओम, तो वो उसके जगह हम 2 ओम लगा दिए। अब क्या होगा देखिए, यहाँ से आई इधर से आया, आई इसमें भी जा रहा है और आई इसमें भी जा रहा है, मतलब वो दोनों बन के 2 ओम बन गया और दोनों में यहाँ भी आई जा रहा है और इसमें भी आई जा रहा है, तो ये दोनों किस में हो गया, ये दोनों सीरीज में हो गया। अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन यही बताया था, और जब सीरीज में हो गया तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको कैसे निकालेंगे डायरेक्ट आर इक्वल टू क्या करते दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये है 4 ओम ये वाला और ये है 2 ओम, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4 और 2 इक्वल टू 6 ओम, तो ऑप्शन नंबर डी 6 दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 4, 1, 2, 3, 4 यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, करा ए और बी के बीच टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो बस वही ए और बी के बीच पूछा गया, तो ए और बी के बीच क्या लगा दीजिए एक सेल लगा दीजिए, और ये प्लस है ये माइनस, यहाँ से करंट फ्लो होगा आई, ठीक है, यहाँ आएगा फिर करंट यहाँ आएगा, फिर आई को कितना रास्ता यहाँ दिख रहा है, तो आई को यहाँ 3 रास्ता दिख रहा है, 1, 2, 3, तो तीनों रास्ता में क्या होगा आई कुछ कुछ बढ़ जाएगा, मान लेते हैं आई 1 इधर चले गया, आई 2 इधर चले गया और आई 3 इधर चले गया, ठीक है, तो यहाँ से आई 1 निकलेगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे आई 1, फिर यहाँ पे आई 1 आएगा, ठीक है, फिर क्या होगा आई 2 इस 10 ओम से, फिर इस 10 ओम से जाते हुए यहाँ पे निकलेगा और फिर यहाँ पे आई 2 बनेगा, फिर आई 3 इससे निकलते हुए यहाँ पे आई 3 आएगा, ठीक है, फिर यहाँ आएगा, और फिर क्या होगा ये तीनों मिलकर आई 3 आई 1 2 और 3 यहाँ पे आई ही बन जाएगा और ये यहाँ से निकलते हुए डायरेक्ट सेल में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसमें इसमें और इसमें तीनों डिफरेंट कलर करंट ले रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये 10 ओम जो लगाया हुआ है और ये 10 ओम दोनों में सेम करंट ले रहा है, आई 2 इससे भी जा रहा है और आई 2 इससे भी जा रहा है, मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस किस में हुआ सीरीज में,
तो इस दोनों का कॉम्बिनेशन कितना होगा, तो 10 10 कितना हो जाएगा 20 ओम। डायरेक्ट यहाँ पे निकाल दिए 20 ओम, ठीक है। अब यहाँ देखिए I2 इससे ज्यादा है, I1 इससे ज्यादा है, I3 मतलब अब ये 10 ओम और ये 20 ओम दोनों का कॉम्बिनेशन और ये 10 ओम तीनों किस में आ जाएगा, पैरेलल में। तो पैरेलल में कैसे निकालते हैं हमें तो बताए, 1/R लिख लेते हैं इक्वल टू ये वाला 1/10 ओम, ठीक है, प्लस और ये दोनों का कॉम्बिनेशन कितना निकला तो 20 ओम, तो 1/20 लिख देंगे प्लस और ये 10 ओम, बस इसको सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 20, यहाँ करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 1/R कितना आ जाएगा 5/20। 1/R इसको पलट देंगे तो ये R बन जाएगा और इसको पलटेंगे तो ये 20/5 बन जाएगा और ये कट होके कितना हो जाएगा 4 ओम। तो ऑप्शन नंबर चेक कीजिए कौन सा है, 4 ओम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लिख रहा है, तो ये सही होगा। तो ये रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम था। इसी तरह जितना भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनता है वो मैं लाता रहूँगा और CBT 2 का ये तैयारी स्टार्ट ही रहेगा जब तक CBT 2 का एग्जाम नहीं हो जाता। और ये क्वेश्चन CBT 1 के लिए भी है, अभी जितना एग्जाम नहीं हुआ है उसमें भी ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप जरूर से जरूर इस क्वेश्चन को रिविजन कर लीजिए। और ग्रुप D का स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द ही, एग्जाम डेट भी आ गया है, तो आप चैनल के साथ बने रहिए। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। धन्यवाद।